हाय गाइस, वेलकम टू एससी गेट पीसू शॉर्ट लेक्चर प्रेजेंटेड बाय अभिविद्या मैन एजुकेशन। ये जनरल एप्टीट्यूड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है। इस सीरीज में हम लोग गेट, इंजीनियरिंग सर्विस या किसी पब्लिक सेक्टर में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उस क्वेश्चन के टॉपिक को भी समझने का कोशिश करते हैं। आज हमने जो क्वेश्चन लिया गेट 2019 में आया हुआ है और ये कोडिंग डिकोडिंग पे बेस्ड है। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का एक पार्ट है, ठीक है। और मैं बता दूं कि गेट 2019 में कोडिंग डिकोडिंग पे एक ही क्वेश्चन आया था, लेकिन उसके पहले हर साल 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं। अभी तक गेट में करीब मेरे को लग रहा है कि 12+ क्वेश्चन आ चुके हैं केवल कोडिंग डिकोडिंग पे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये जो टॉपिक है 5-स्टार टॉपिक है। मतलब अगर गेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये आना ही चाहिए, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में के भी पेपर देने जाओगे आप तो उसमें क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के बेस्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इस कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए सबको पता है कि जो अल्फाबेट, मतलब जो हमारे पास लेटर अवेलेबल है, लेटर पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। लेटर को अरेंज करता है, इधर उधर लेटर की पोजिशन वैल्यू को चेंज करता है, कुछ ऐसे करके बनाता है कॉम्बिनेशन, उसको हमको आइडेंटिफाई करना होता है और बताना होता है कि कौन सा आंसर सही है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग में अलग से वीडियो बना दूँ सेपरेट गेट के लिए और सारे आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जो लोग एसएससी बैंक का तैयारी करते हैं उनको अल्फाबेट, मतलब जो लेटर होते हैं उनको याद होता है। लेटर का हर लेटर का बेस वैल्यू याद होता है। जैसे एच के कोई बोलेगा तुरंत बोलेंगे 8 होता है, ठीक है, तो वो लोग रटे होते हैं, ठीक है। जी के कोई पूछेगा तुरंत बोलेंगे 7 होता है। तो आपको क्या करना है कि हर अल्फाबेट के जो लेटर है, लेटर को आपको, लेटर के बेस वैल्यू को आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं रटने। नहीं, आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर इंजीनियरिंग पब्लिक सेक्टर की तैयारी कर रहे हो तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टेक्निकल में ऑलरेडी इतने फार्मूले हैं वो ही याद नहीं हो पाते हैं। आप अलग से अल्फाबेट का नंबर कैसे याद करोगे, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रटना मत। जैसे मुझे याद है, लेकिन मैं बार बार प्रैक्टिस किया हूं तो मुझे याद है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपके सेट में आए ना आए, ठीक, प्रोबेबिलिटी कम है। अगर मैं बोलूं कि एग्जाम में आपके एग्जाम में 5 क्वेश्चन आएंगे तो आप डेफिनेटली, मैं बोलता कि रट लो इसको, क्योंकि आप टाइम बचता और आप आराम से 5 क्वेश्चन बना, लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है आने का। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ हर साल 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, तो सारे ब्रांच का मिला के मैं बता रहा हूँ, तो आप में प्रोबेबिलिटी है कि मान लो आया नहीं आया, तो आप रट के क्यों जाओगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप रटो मत, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ABCD लेटर को आपको लिख लेना है। लेटर को लिखने का टोटल 26 लेटर होते हैं, तो 13 ऊपर लिखना है, 13 नीचे लिखना है। लिखते समय ध्यान रखना है कि 1 से 13 तक इधर लिखना है और 14 से स्टार्ट करना है, तो ऐसे लिखना है, क्योंकि सर्कुलर होना चाहिए। जब ऐसे सर्कुलर फॉर्म में आप लिखोगे ABCD से लेकर MNO, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लिखोगे तभी आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और A का बेस वैल्यू A1 पोजीशन पर, सेकेंड पोजीशन पर, उसके ऊपर नंबर भी कर लो, नंबरिंग कर लो। N14 पे आता है, O15 पे आता है, ऐसे करके पूरा नंबरिंग करके लिख लो। लिखने में आपको 30 सेकेंड लगेगा, ठीक है। 30 सेकेंड से पहले भी लिख लोगे आप तो 30 सेकेंड में आप एग्जाम में दे सकते हो। आप गेट में एग्जाम में टाइम रहता है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं। अभी कोई नहीं ऐसा करेगा कि रटने बैठ जाएगा कि एच का 8 होता है, एस का 19 होता है, टी का 20 होता है। तो रटोगे तो ऐसा हो सकता है एग्जाम में गलत भी हो जाए। हाँ, अगर श्योर होता है कि एग्जाम में आपका 5-6 क्वेश्चन आने वाला है तो आप रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतनी प्रोबेबिलिटी है आने की, नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ना आपके सेट में आएगा कि नहीं आएगा। क्या पता, मान लो मैकेनिकल को, आप मैकेनिकल का मान लो कि फर्स्ट बैच में, फर्स्ट शिफ्ट में आ गया, सेकंड शिफ्ट में नहीं, आप सेकंड शिफ्ट में पेपर देने गए हो, तो आप इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकंड। तो जब भी आपके एग्जाम कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आए आप ऐसे लिख लिया करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया। बोला है कि IMHO को क्या लिखा है, वो JNIP, ठीक है। तो देखो ये इक्वल लिखा है, तो इस ये जो लेटर, इसमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके इसको लिखा है। अब आई को जे लिखा, देखो यहाँ पे 4 लेटर है तो यहाँ भी 4 लेटर है, तो इनको कोई ना कोई, मतलब आई को कुछ इसमें कुछ मैनिपुलेशन किया है, उसको मैनिपुलेट किया। आई में कुछ ना कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके आगे पीछे करके इसको जे लिखा है, एम को एन लिखा है, एच को आई लिखा है, ओ को पी लिखा है। अब कैसे लिखा है, तो जब आप ऐसे लिखे रहोगे तो ध्यान से देखो, आई को उसने क्या लिखा, जे, आई के बाद जे आ रहा है, मतलब एक ऐड करके आगे वाला नेक्स्ट लेटर को लिखा है। एम को उसने क्या लिखा, एन, एम के आगे क्या आ रहा है, एन लिखा है। एच के आगे, एच को क्या लिखा, आई, एच के आगे क्या आता है, आई, आई लिखा है। ओ के आगे क्या आता है, पी, ओ के आगे पी आता है, तो पी लिखा है। मतलब क्या किया उसने, एक एक लेटर को आगे बढ़ा के लिख दिया है। उसी तरह ID के, अगर ये सेम पैटर्न फॉलो करेगा तो इसमें भी यही होना चाहिए, क्योंकि तीनों दिया हुआ है, आपसे चौथा पूछा है। तो आई को क्या लिख सकता है, आई का नेक्स्ट क्या है, जे, तो देखो यहाँ पर जे लिखा है। डी का नेक्स्ट क्या है, तो डी का नेक्स्ट ई होता है, तो ई लिखा है। के का नेक्स्ट क्या है, के का नेक्स्ट एल है, तो एल लिखा है। मतलब एक एक आगे बढ़ा के लिखा है। अगर अभी भी बिलीव नहीं हो रहा तो इसको चेक करो, एस के आगे क्या होता है, एस के आगे होता है टी, चलो टी लिख लिया। ओ के आगे क्या होता है, पी, तो ओ के आगे लिख लिया पी। उसी तरह IDC को पूछा आपका क्या होगा, तो IDC को, आई के आगे क्या है, जे, तो जो भी हमारा कोड बनेगा जे बनेगा। दूसरा डी के आगे क्या है,
तो ई है, तो जे ई, और सी के आगे क्या है, डी है, तो जे ई डी हमारा जो होगा कोड जो होगा वही हमारा कोड बनेगा इसका। सर जे ई डी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी, बी इज द करेक्ट आंसर, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको रटो मत, आप एग्जाम हॉल में ऐसे लिख लेना, ठीक है, एग्जाम हॉल में इसका ऐसे लिख लेना। जब ऐसे आप एग्जाम हॉल में लिख लोगे तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूँ, हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस कर दूँ, कोडिंग डिकोडिंग में जितने भी टाइप के आते हैं और जो पॉसिबिलिटी है गेट में आने का, तो आप कमेंट करके बताओ, मैं कोशिश करूँगा कि कोडिंग डिकोडिंग पर अलग सेपरेट वीडियो बना दूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो, ये सोल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। अगर कोई सजेशन है किस टाइप के क्वेश्चन और मुझे डिस्कस करना चाहिए, आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनता है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर उस टॉपिक पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर दो, तो डेफिनेटली मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप अभी तक हम लोगों से सोशल मीडिया पर नहीं जुड़े तो सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे कनेक्ट आपको होना ही है। कनेक्ट होने से आपका फ़ायदा ही होगा कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन रैंडमली पोस्ट करता रहता हूँ जो कि स्ट्रिक्टली रिलेटेड टू गेट होता है। मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ, जो कि गेट में मुझे लगता है कि आ सकता है उसको मैं यहाँ पर ज़रूर पोस्ट करता हूँ। ठीक है, अगर आप फेसबुक नहीं चलाते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, जहां आपकी मर्जी वहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।